नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उन सब की आज यहां पर हम एनालिसिस करेंगे और चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फाइनली यहाँ पर अगेन वंस मोर एक और डोजी यहाँ पर बैंक निफ्टी ने आज हमको एक और डोजी दी है। मीन्स डोजी क्या कह सकते हैं इसको हम, प्रॉपर इसको हम जो प्रॉपर डोजी नहीं है बट यहाँ पर इसको हम डोजी कह सकते हैं। फाइनली देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो जो लेवल मैंने कल आपको बताए थे बाइंग के लेवल और सेल के लेवल, वो क्या लेवल वो काम किए या उन लेवल ने काम नहीं किया, चलिए चलते हैं और 15 मिनट के चार्ट में हम चलकर देखते हैं। तो चलिए ये 15 मिनट के चार्ट में मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में फाइनली यहाँ पर देखिए ये जो कैंडल है, एक मिनट में आपको पूरे अच्छे से मैं यहाँ पर एनालिसिस करके बताता हूँ इसकी। ये जो रेड कैंडल आप यहाँ पर देख रहे हैं कंटिन्यू, ये एक मिनट में आपको, हाँ सॉरी, यहाँ पर ये देखिए, अब ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है, मैंने आप लोगों को कल क्या बताया था, कल मैंने आपको बिल्कुल एक क्लियर कट बात बताई थी कि ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी, और ये जो ऊपर का जो ये लेवल था 32,680 के आसपास, तो यहाँ पर मैंने बताया था ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। अब देखिए मैंने आपको लेवल बताया था 32,680 से लेकर 32,700, जाकर वीडियो में लेवल दोबारा सुन लीजिएगा, अगर आपने वीडियो नहीं देखी देख लीजिएगा, मतलब उसके बाद ये वीडियो देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियरिफिकेशन होगी। तब देखिए मैंने बताया था 32,680 से लेकर 32,700 हमारा लिए एक हर्डल है, जब तक 32,700 का लेवल नहीं निकलता तो ऊपर की तरफ हम बाइंग करने वाले नहीं है। सो ये लेवल हमारा जो होगा ये सेलिंग का लेवल होगा, और मैंने देखिए आपको बताया था कि पहला टॉप हमारे पास यहाँ बन चुका है, दूसरा टॉप यहाँ पर हम इंतजार करेंगे, दूसरा टॉप जैसे यहाँ पर हम बनेगा हम यहाँ पर सेलिंग के लिए जाएंगे। तो फाइनली यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ये जो कैंडल बनी ऊपर गई तो जरूर ऊपर देखिए कहाँ तक गई है, ऊपर 720-715 के आसपास गई, और फाइनली वहाँ से देखिए एक सेलिंग प्रेशर आ गया। ये 15 मिनट का चार्ट है, सेलिंग प्रेशर आ गया और उसके बाद मोस्टली देखिए मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो गई, और फाइनली देखिए उसका जो ट्रेंड आखिर अपने को जो मिला वो ट्रेंड देखिए डाउन साइड ही मिला, तो डाउन साइड ही गई, और अगेन यहाँ से देखिए मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी, और क्लियर कट आपको बिल्कुल सिंपल भाषा मैंने समझाया था कि ट्रेंड लाइन से हमको बाय करना है या ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके हमको इस लेवल पर मिलती है 32,250-280 के लेवल पर मिलती है तो यहाँ पर बाय करना है, अदरवाइज ट्रेंड लाइन पर बाय करना है, और ये हमारा सेलिंग एरिया, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। और आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर बैंक निफ्टी ने हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है। मीन्स यहाँ पर देखिए ये सेलिंग का लेवल था, तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन सेल करते यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे, अब ये बाइंग का लेवल था, यहाँ पे अगर हम ऑप्शन बाइंग भी कर लेते तब भी यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। फाइनली देखिए एक्सपायरी जो आज हुई है वो एक्सपायरी में कोई खास मूव नहीं हुई, क्यों मूव नहीं हुई, क्योंकि एक्सपायरी की मूव हमको ऑलरेडी कल मिल चुकी थी। तो चलिए अब चलते हैं, बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में कल हमारा किस तरह से प्लान होना चाहिए। फाइनली देखिए आज मैंने ट्रेड नहीं किया, कोई भी ट्रेड नहीं लिया, क्यों, क्योंकि मैं देखिए किसी प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रहा हूँ, वो एक इंट्राडे का प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। सो फाइनली आज मेरे को वहाँ पर कुछ ज़्यादा फोकस करना था, वहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करनी थी उसमें अपने प्रोजेक्ट में, तो वो प्रोजेक्ट पे अभी कंटिन्यू काम चल रहा है और उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी वो प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा और आप लोगों के लिए मैं वो प्रोजेक्ट बहुत जल्दी पेश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि उस प्रोजेक्ट से आप बहुत अच्छे अच्छे इंट्राडे के प्रॉफिट बना पाएंगे, अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर पाएंगे और काफ़ी देर तक अपने ट्रेड्स को होल्ड कर पाएंगे। उस प्रोजेक्ट में मैंने ऐसी सारी चीज़ें मैंने इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कल हम यहाँ पर किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। फाइनली यहाँ पर देखिए अब इस ट्रेंड लाइन से जो है बाउंस बैक, ठीक है, बाउंस बैक होकर देखिए कल यहाँ पर मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, गैप अप ओपन में अगेन अपने पास यही अभी सेलिंग का लेवल है। सो यहाँ पर अब देखिए ये लेवल कुछ हो चुका है वीक, क्यों वीक हो चुका है, क्योंकि बार बार यहाँ पर इस लेवल के पास आकर टेस्टिंग हुई है, इस लेवल की बार बार टेस्टिंग हुई है। मैं चलिए इसमें प्रॉपर चार्ट में इस तरह से कर देता हूँ, ये लेवल बार बार टेस्ट हुआ है। सो यहाँ पर कल को क्या हो सकता है, कल को ये लेवल ब्रेक हो सकता है। अगर देखिए यहाँ पर अगर आप सेलिंग के लिए भी जाते हैं तो सेलिंग के लिए जाइए, बट यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ सेलिंग के लिए जाइए, डाटा एनालिसिस कर लीजिए या टेक्निकल एनालिसिस करके यहाँ पर सेलिंग के लिए जाइए, अदरवाइज यहाँ पर जो है इस लेवल को ब्रेक होने का वेट करिए। यहाँ पर अगर गैप अप ओपन होता है और इस लेवल के ऊपर ओपन होता है, मीन्स 32,720 के ऊपर अगर ओपन हो जाता है तो उस सिचुएशन में हम बाइंग के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर अगर देखिए बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है तो अब इसके लिए ये सपोर्ट का काम करेगा 32,300 के आसपास का लेवल। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक यहाँ पर बॉटम पड़ा हुआ है और यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट जो था, ये जो रेजिस्टेंस था ये एक बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस था, इसको फाइनली जो है क्रॉस करने में काफ़ी टाइम लगा, 2 से 3 दिन यहाँ पर लगे इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में। तो फाइनली अब पहली बार देखिए ऊपर की तरफ गया और यहाँ पर सपोर्ट लेकर बाउंस बैक हुआ, अब ये दूसरी बार अगर हमको यहाँ पर मिलेगा, मीन्स किस सिचुएशन में, गैप डाउन के ओपन में, गैप डाउन होता है और इस लेवल के आसपास मिलता है, अब ये लेवल 32,300 का है, 32,300 32,280 से लेकर 32,300 तक का ये लेवल है, तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं, यहाँ पर बाइंग का ट्रेड आप बना सकते हैं। सो
और यहाँ पर देखिए ये लेवल हमारा अभी सेलिंग का है। यहाँ पर कोई कंफर्मेशन मिलती है गैप अप ओपन में तभी यहाँ पर सेल करिएगा, अदरवाइज अगर गैप अप ओपन इसके ऊपर होता है 32,720 तो वो एक बेस्ट सिचुएशन होगा, आइडियल सिचुएशन होगा बाइंग करने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं निफ्टी में, और निफ्टी में यहाँ पर हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो फाइनली पहले हम वनडे का चार्ट लगा लेंगे और वनडे के चार्ट में यहाँ पर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। फाइनली यहाँ पर देखिए जो जैसी कैंडल कल बनी थी रेड कलर की थी, वही कैंडल आज बनी है पर वो ग्रीन कलर की है। मीन्स इसको हम जो है हैमर कैंडल कहते हैं, हैंगिंग मैन भी कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस की लैंग्वेज में। चलिए वो चलिए बात की बातें हैं, अभी हम यहाँ पर एनालिसिस करने के लिए बैठे हैं। अब यहाँ पर देखिए हमको जो फ्रेश मूव मिलने वाली, अच्छी मूव जो मिलने वाली है वो 14,650 की क्लोजिंग के ऊपर मिलने वाली है। कल देखिए जो मैंने एनालिसिस करी थी इंट्राडे की और मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, अब मैं उस चीज़ पर आ जाता हूँ, उस लॉजिक पर आ जाता हूँ मैं कि कल मैंने आपको चीज़ क्या बताई थी। अब ये देखिए ये ट्रेंड लाइन मैंने बताया था कि ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए कंटिन्यू एक सपोर्ट का काम कर रहा है। और देखिए यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया बाउंस बैक हुआ, सेकंड टाइम आया बाउंस बैक हुआ, और कल जो है कल यहाँ पर आया था 2 बजे, 2 बजे यहाँ पर आया था और 2 बजे अगेन बाउंस बैक हुआ। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब हम चलते हैं 9:15 की कैंडल पर। तो ये देखिए ये हमारे पास ये जो कैंडल है ये 9:15 की कैंडल है। मॉर्निंग टाइम में मार्केट जो है थोड़ा नीचे की तरफ गया है, बट अगेन देखिए इस ट्रेंड लाइन के आसपास से बाउंस बैक हुआ है। कल की वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कट मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अगेन इस लेवल के आसपास मिलता है, ट्रेंड लाइन के आसपास मिलता है, तो आप बिल्कुल बाइंग के लिए यहाँ पर जा सकते हैं और यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ये मैंने सेलिंग का लेवल बताया था, ऊपर बताया था आपको कि एक टॉप बना है, दूसरे टॉप की वेट कर रहे हैं, दूसरा टॉप जब यहाँ पर बनेगा तो सेलिंग के लिए हम देखेंगे। और फिलहाल ये लेवल जो मैंने बताया था सपोर्ट जो है ट्रेंड लाइन का, यहाँ से मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कट बाइंग दी थी, वीडियो जाकर दोबारा देखिए। यहाँ पर अगर आपने लिया होगा, ट्रेड बनाया होगा, तो उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ पर बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे। तो फाइनली चलिए अब हम चर्चा करते हैं कल के लिए, कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए अब अगेन हमारे पास ये लेवल सेलिंग का लेवल है, 14,650 के आसपास ये हमारा सेलिंग का लेवल है। तो ये लेवल का ध्यान रखिएगा, मान लीजिए मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर इस लेवल तक पहुँचती है 14,650 के बाद, तो यहाँ पर देखिए किसी कैंडल का वेट करिए, यहाँ पर कन्फर्मेशन का वेट करिए सेलिंग के लिए, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आ सकती है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है। सेकंड देखिए यहाँ पर अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद इस नीचे की तरफ आती है तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ से अगेन बाउंस बैक हो सकती है। बट एक चीज़ का और ध्यान यहाँ पर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम यहाँ पर मल्टीपल टाइम यहाँ पर ये लेवल टेस्ट हो रहा है, ये ट्रेंड लाइन टेस्ट हो रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि अभी लेवल वीक होता जा रहा है, क्योंकि कोई भी लेवल जितना ज़्यादा बार टेस्ट होगा उसमें जो है उतनी ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। सो ये लेवल बार बार टेस्ट हो रहा है, मे बी ये कल ट्रेंड लाइन ब्रेक भी हो सकती है। बट यहाँ पर अगर हमको एंट्री लेनी हो तो ये जो ऊपर का जो लेवल है जहाँ पर फर्स्ट टॉप बना हुआ है, सेकंड टॉप यहाँ पर बनेगा, सेकंड टॉप बनने के बाद यहाँ पर कन्फर्मेशन का वेट करिए, कन्फर्मेशन आपको मिलती है तो सेल करिए। मे बी शायद कि आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद हमारा जो टारगेट होगा वो टारगेट देखिए ये लेवल होगा हमारा 14,480 के आसपास का लेवल होगा। तो ये इस पे नज़र बनाकर रखिएगा, कल हमको निफ्टी में जो है बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है और एक बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है निफ्टी में। तो निफ्टी पर नज़र बना के रखिएगा रैदर देन बैंक निफ्टी, मैं कल निफ्टी को ज़्यादा फोकस करूंगा रैदर देन बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर देखिए अगर गैप अप ओपन होता है, मान लीजिए जो क्लोजिंग आई है वो 14,600 के आसपास आई है, और यहाँ पर मान लीजिए 40-50 पॉइंट गैप अप हो और 14,650 के आसपास मिले, तो मैं यहाँ पर कंफर्मेशन के बाद मैं यहाँ पर बिल्कुल सेल के लिए जाऊँगा, और ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद मैं यहाँ पर और क्वांटिटी में ऐड करूँगा। और अगेन ये अगर 14,480 का भी लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पर हम जो टारगेट देखेंगे वो 14,400 के आसपास का देखेंगे। दूसरी सिचुएशन में देखिए क्या हो सकता है, दूसरी सिचुएशन में यहाँ पर मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो गैप डाउन ओपन के बाद इस ट्रेंड लाइन पर मिलती है, ठीक है, अगर यहां पर मिलती है 14,480 के पास गैप डाउन ज्यादा हो जाता है, 50-60-70-80-100 पॉइंट का गैप डाउन होता है, तो यहां से हमको क्लियर कट बाइंग करनी है। ध्यान रखिएगा ये हमारा बाइंग लेवल है 14,480 का, 14,480 से लेकर 14,500 के बीच में कहीं भी मिलती है तो यहां पर कंफर्मेशन मिलने के बाद यहां पर जो है बाइंग के लिए जा सकते हैं, और ये हमारा सेलिंग लेवल है। अब हम यहां पर बाइंग कहां करेंगे, जब यहां पर देखिए सिचुएशन क्या हो, यहां पर एक गैप अप ओपनिंग हो और गैप अप ओपनिंग वो जो हो 14,650 के ऊपर हो, और वहां से हम जो है बाइंग के ट्रेड बना सकते हैं। तो अगर मेरे को इसमें कोई भी ट्रेड दिखेगा, कोई अच्छा ट्रेड दिखेगा, तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आप वहां से जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनकी चर्चा करते हैं। फाइनली हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में, अब हम आ गए यहाँ पर एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक के लिए देखिए, अब जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक हम यहाँ पर बुलिश हैं, जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा तो हम यहाँ पर बियरिश हो जाएंगे और यहाँ पर सेल की अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पर देखेंगे। अब फाइनली यहाँ पर देखिए बाइंग कब कर सकते हैं, 690 रुपये के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर इंट्राडे में बाइंग कर सकते हैं, 700 और 710 का यहाँ पर टारगेट होगा इंट्राडे के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बंधन बैंक। देखिए बंधन बैंक में कल की वीडियो मैंने आपको देखिए क्या बताया था, वीडियो देखिएगा जरूर एक बार,
तो मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पर ऑलरेडी 3 दिन से काफ़ी तेजी से गिरावट हो रही है और एक ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर मे बी एक डोजी कैंडल बन सकती है। फाइनली देखिए यहाँ पर एक डोजी कैंडल बन गई। तो देखिए एक्सपीरियंस और नॉलेज से ही आपको चीज़ें पता चलती हैं, क्योंकि देखिए मेरा मार्केट में काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है सोच चीज़ें, क्योंकि मैंने ऐसी चीज़ें पहले देख चुका हूँ, ये सारी चीज़ें पहले एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। सो हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि अब यहाँ पर शायद ये वाली कैंडल मिले या फिर यहाँ पर कोई हैमर कैंडल मिले। मैंने आपको ये बताया था कि शायद यहाँ पर कोई हैमर कैंडल मिले या फिर अब डोजी कैंडल मिले। अब देखिए अब मे बी यहाँ से अगर इसको बाउंस बैक होना है तो ये परफेक्ट जगह पर खड़ा है, अपने 370-368 का लेवल इसके लिए एक परफेक्ट सपोर्ट है। अगर इसको बाउंस बैक होना है तो यहाँ से बाउंस बैक हो जाएगा, अदरवाइज अगर इसमें वीकनेस होगी तो ये 368 का लेवल ब्रेक कर देगा और हम यहाँ पर जो है 350 और 325 का लेवल बहुत जल्दी देखेंगे। तो उम्मीद शायद ये है कि यहां से ये बाउंस बैक हो कल की डेट में, कल शायद यहां से ऊपर निकले। तो चलिए अगले स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एचडीएफसी बैंक। तो फाइनली देखिए यहां पर ब्रेकआउट मिल चुका है और मैंने आपको बताया था बाइंग के लिए कि यहां पर 1500 की क्लोजिंग के ऊपर यहां पर हम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। दूसरा अगर हम यहां पर ध्यान देंगे तो हमारे पास यहां पर एक ट्रेंड लाइन हमको मिल रही है और कंटिन्यू अगर इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास ही, देखिए जब ये ट्रेंड लाइन अगर ये ब्रेक कर देगा तो फिर यहां पर बिल्कुल क्लियर कट हमको 1350 का लेवल अगेन दिखा देगा अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई तो। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई और अगर ये 1500 के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल रहा और ऊपर सस्टेन करता रहा तो यहां पर हम बाइंग के लिए जाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक देखिए जैसा मैंने आपको असेंडिंग चैनल बनाकर बता रहा हूं मैं काफी दिनों से कि अब ये इसके लिए हर्डल बन चुका है, ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है ये इसके लिए हर्डल है और जब तक ये ऊपर का ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती, जब तक ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तब तक अभी हम यहां पर बाइंग के लिए नहीं देखेंगे। दूसरी बात ध्यान रखिएगा जब भी ये ब्रेकआउट होगा तो यहां पर एक 90 डिग्री बिल्कुल मूव होगी, रॉकेट मूव होगी यहां पर। अगर आईसीआईसीआई बैंक अपना ये ऊपर का हर्डल ब्रेक करता है, असेंडिंग चैनल का ऊपर का ट्रेंड लाइन अपर ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर जो है एक रॉकेट मूव देखेंगे, एक बहुत अच्छी मूव देखेंगे। दूसरा देखिए यहाँ पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पर कब देख सकते हैं, सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं 535 रुपये के नीचे। अगर ये 535 रुपये के नीचे निकलता है तो हम यहाँ पर सेलिंग करेंगे, हमारा टारगेट होगा यहाँ पर 520 रुपये। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि मेरा इसमें कोई व्यू नहीं है, क्यों बताया था, क्योंकि अभी यहाँ पर 2 दिनों से कंटिन्यू डोजी कैंडलें बन रही थी। अब फाइनली देखिए इसने पिछले अपने प्रीवियस हाई को यहाँ पर टेस्ट कर दिया है, आज प्रीवियस हाई को टेस्ट करने के बाद देखिए अब यहाँ पर जो है सस्टेन कर रहा है, 980 के ऊपर की क्लोजिंग इसको 1000 तक लेकर जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा कल अगर ये 980 के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पर 1000 का लेवल कल की डेट में ही देख लेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कोटैक बैंक। तो कोटैक बैंक के लिए देखिए मैंने कल भी यहाँ पर आपको यही चीज़ बताई थी कि देखिए अब इसके लिए यहाँ पर एक सपोर्ट है, मे बी यहाँ पर कोई डोजी बन जाए, मे बी यहाँ पर कोई हैमर बन जाए, बट यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर एक डोजी बन चुकी है। देखिए जिस जिस स्टॉक में मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई, जो कैंडलें बनेंगी आज वही हो रहा है सब, चलो अच्छा है। तो यहाँ पर एक डोजी कैंडल बन गई है, मे बी यहाँ से रिवर्स ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है, बट अगर इसमें वीकनेस हुई तो अगला लेवल जो हम देखेंगे वो लेवल हमारा ये होगा 1810 का। अगर कल ये देखिए आज का लो ब्रेक हुआ, ये जो लो लगा हुआ है, ये लो लगा हुआ है देखिए 871 का, कल अगर 870 के नीचे निकलकर 5 मिनट भी ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया तो मैं यहाँ पर सेल के लिए जाऊँगा और टारगेट मैं यहाँ पर 1810 के आसपास यहाँ पर रखूँगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर देखिए एक रजिस्टेंस था, रजिस्टेंस फाइनली ब्रेक हुआ और यहाँ पर भी ये सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर मतलब इसको हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस के लैंग्वेज में इसको रीटेस्ट कर रहा है। स्टॉक कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक है, इंडेक्स है, एक बार वो ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करने के लिए आता है, सो यहाँ पर भी रीटेस्ट हो रही है। बाइंग यहां पर करेंगे 260 रुपए के ऊपर निकलेगा तब, अदरवाइज अभी इसमें हमने कुछ नहीं करना है। मे बी शायद ये फेक ब्रेकआउट हो और ये 245 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो अगेन हम यहां पर जो है 200 का लेवल देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए देखिए जो असेंडिंग चैनल मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, अब कंटिन्यू देखिए अपर चैनल पर जाता है तो फिर यहां से रिजेक्ट होता है और लोअर चैनल पर आता है, लोअर चैनल पर सपोर्ट लेकर अगेन ऊपर की तरफ। तो यहां पर देखिए बाइंग कर सकते हैं 308 रुपए के ऊपर, टारगेट हमारा यहां पर होना चाहिए 312 रुपए का, 308 के ऊपर निकलेगा तो 312 के आसपास हम यहां पर टारगेट देखेंगे। और देखिए यहां पर सेलिंग प्रेशर आ सकता है जब भी अपर ट्रेंड लाइन को टच करेगा, अपर ट्रेंड लाइन टच करने के बाद यहां पर इसको एक हर्डल मिलेगा, रेजिस्टेंस फेस करेगा और वहां से ये नीचे की तरफ आ सकता है। सो यहां पर हमको कल 4 या 5 रुपए की मूव मिल सकती है। चलिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।